हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 7th of April, फ्राइडे, एंड आज मैं देने जा रही हूँ इफ्तार रोज़दारों को। एंड ये मेरा सेकेंड ईयर है। परमिशन वगैरह भी हमने ले लिया है सारा इफ्तार देने का। लास्ट ईयर से मैंने स्टार्ट किया था इसे रमज़ान में इफ्तार देना, एंड इस साल मेरा सेकेंड ईयर है। सेम लास्ट ईयर की तरह चिकन बिरयानी बना रही हूँ 100 लोगों के लिए, एंड साथ में रायता, सॉरी लस्सी रहेगा, डेट्स रहेगा एंड मिठाई रहेगा। तो कुछ शायद प्रिपरेशन मैंने कल कर लिया था, मसाला वगैरह पीसना, प्याज वगैरह काटना, एंड बाकी जो है अभी मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर जब मैंने ये किया था ना, तो बहुत लोगों के अच्छे कमेंट्स आए थे, पॉजिटिव कमेंट्स, ब्लेसिंग्स मिले थे, बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही साथ ऑब्वियसली हेट कमेंट्स भी आते हैं, कन्वर्ट हो जाओ, ये हो जाओ, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम लोग इंसान हैं, अगर हमसे बन पड़ रहा है, किसी को हम एक वक्त का खाना खिला पा रहे, स्पेशली जो फास्टिंग कर रहे हैं रमज़ान में, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सब हम लोग करते हैं, नवरात्रों में भी करते हैं, एंड रमज़ान से हम लोग 2 साल से कर रहे हैं। कभी गुरुद्वारे में दे दिया ऐसे कुछ। इस बार नवरात्र जो चैत्र नवरात्र आए थे, इस बार इसमें यहाँ पे मैंने नहीं किया था, क्योंकि हमने इंडिया में भंडारा किया था। क्योंकि इंडिया में जीत काफ़ी सालों से भंडारा करते आ रहे हैं, दोनों ही नवरात्र भंडारा करते आ रहे हैं, बट कोविड की वजह से 2-3 साल बंद था, फिर से स्टार्ट हुआ। तो इस बार चैत्र नवरात्रों में भी इंडिया में भंडारा किया था, तो इसीलिए यहाँ पे और मैंने क्या नहीं किया था, क्योंकि अक्टूबर में मैंने यहाँ पे किया था। तो बस यही है, हमसे जितना बन पड़ रहा है, अगर हम लोग थोड़ा बहुत किसी को बस एक वक्त का खाना खिला पा रहे, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात है। साथ में जो बदले में जो ब्लेसिंग्स, जो दुआएं उनके दिल से निकलेगी, वो मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे बच्चों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो बस यही लालच में कि हाँ दुआएं मिलेगी, इसी लालच में हम लोग करते हैं, एंड हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। स्पेशली जब पता नहीं मेरे अंदर कहाँ से इतनी हिम्मत आती है कि मैं 100 लोगों के लिए खाना बनाने के लिए अकेले रेडी हो जाती हूँ। बट जब सब कुछ बन जाता है ना, स्टार्टिंग में ऑब्वियसली थोड़ा डर लगता है, बट सब बन जाता है एंड बांटते हैं हम लोग, लेके देते हैं, उसके बाद जो सुकून मिलता है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो चलिए बातें कम करते हैं, मैं स्टार्ट करती हूँ खाना बनाना, बीच बीच में वॉइस ओवर कर दूंगी, बस आज और जितना बात नहीं कर पाऊंगी। और सो यहाँ पे मैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट बनाऊंगी। तो यहाँ पे 1 किलो के आसपास मैंने लहसुन लिया है, गार्लिक, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है, एंड करीब 800 ग्राम के आसपास मैंने अदरक लिया है, उसमें मैंने थोड़े से हरी मिर्च ऐड किया है, एंड उसको भी मैंने पेस्ट बना लिया। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो है ये बन के रेडी है। एंड यहाँ पे प्याज का भी मैंने पेस्ट बना लिया, ताकि ग्रेवी जो है वो थोड़ा सा थिक बने एंड थोड़ा सा ईजी भी हो जाता है। तो इसमें मैंने खड़े गर्म मसाले ऐड करके, ताकि अच्छी खुशबू आए, तो इसका मैंने पेस्ट बना लिया। तो करीब 4 किलो के आसपास मैंने प्याज लिया था, उसका मैंने पेस्ट बना लिया है। एंड यहाँ पे चिकन मैंने लिया है 15 किलो, तो उसको भी ऐसे बड़े बड़े पीसेस में काट दिया है। लास्ट टाइम मैंने जब बनाया था ना, वही सेम मैंने 15 किलो चिकन लिया था, बट पीसेस ना जैसे हम लोग घर में लेके आते हैं ना, वैसे ही मैंने पीसेस कर दिए थे। तो इस बार लेकिन मैंने बिरयानी के लिए जैसे बड़े बड़े पीसेस है ना, वैसे रखे। एंड यहाँ पे बड़ी सी हांडी जो अभी रख दी है। चिकन में मैंने थोड़ा सा नमक एंड लाल मिर्च का पाउडर ऐड करके उसको मैरिनेट कर दिया है। एंड यहाँ पे मैं हल्का सा चिकन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने कुक किया था ना, तो चिकन में से बहुत सारा पानी निकला था। जब आप इतने क्वांटिटी में कुक करते हो, इतना सारा पानी निकला था, तो वो पानी को मतलब भुनते भुनते गलाते गलाते ना, चिकन काफ़ी सॉफ्ट हो गया था। तो इसीलिए लास्ट ईयर से थोड़ा बहुत सीख मिला है, तो इस बार इसलिए मैं 1-2 मिनट के लिए बस चिकन हल्का सा मैं फ्राई कर रही हूँ, ताकि जब मैं उसको मसाले में कुक करूँ, इसमें से पानी ना निकले। तो ऐसे करके बस एक साइड एक मिनट, मतलब 2 मिनट के आसपास करीब मैंने उसको हल्का सा फ्राई कर लिया है। एंड गैस स्टोव नया आ गया है, तो बर्नर काफ़ी अच्छा जल रहा था, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी हुआ, बस थोड़ा सा हाथ मेरा जल गया था। एनीवेज वो तो होता ही रहता है। तो यहाँ पर मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, करीब 1.5 लीटर मस्टर्ड ऑयल लिया है, सारे खड़े गरम मसाले, जीरा वगैरह सब ऐड कर दिया, एंड प्याज को अच्छे से यहाँ पे मैं भून लूँगी पहले, देन जिंजर गार्लिक का पेस्ट मैं ऐड करूँगी। साथ ही साथ यहाँ पे टमाटर भी चॉप करी हूँ, तो करीब 3 किलो के आसपास मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने ऐसे रफली जो है वो चॉप कर लिया था। एंड यहाँ पे प्याज भी भुन रही हूँ, तो ऐसे ही साथ ही साथ काम चल रहा है। साथ ही साथ मैं थोड़ा बहुत किचन भी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि बर्तन वगैरह जमा हो रहे हैं, तो फिर किचन भी बहुत मैसी हो जाता है जब आप बल्क कुकिंग करते हो ना, फिर किचन भी मैसी हो जाता है, साथ ही साथ बर्तन भी मैं धो रही थी। तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी ऐड कर दिया, तो जिंजर गार्लिक का पेस्ट भुनने के बाद इसमें टमाटर ऐड कर दिया है, टमाटर जल्दी भुन जाए, उसके लिए यहाँ पे मसाले के हिसाब से नमक ऐड कर दिया है, क्योंकि चिकन में ऑलरेडी हमने नमक ऐड किया हुआ है, तो मसाले के हिसाब से नमक ऐड कर दिया, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, एंड यहाँ पे मीट मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, करीब 2 पैकेट मीट मसाला ऐड कर दिया है।
तो बस यहाँ पे मसाला जो है ये बन के रेडी है। इसमें अभी मैं जो फ्राई किया हुआ चिकन है वो ऐड कर दूँगी। तो मसाला अच्छे से भुन गया है एंड चिकन भी फ्राई करते टाइम, यहाँ पे चिकन बहुत जल्दी गल जाते हैं, तो ये भी करीब मतलब 50% कुक हो गया था। तो बस इसको अभी मुझे भुनना था अच्छे से। अब ये सारा चिकन तो डाल दिया, अब मैं चला नहीं पा रही हूँ इसको, मतलब ये करची ना टेढ़ा हो जा रहा है ज़्यादा वो कर रही हो तो। बिरयानी के लिए चिकन जो है ये बनके रेडी है। थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रेवी हल्का सा इसीलिए रखा है क्योंकि ना मैं इसको चला नहीं पा रही थी अच्छे से, ये टेढ़ा हो जा रहा था। बड़ा बर्तन तो मैंने ले लिया बट ये बड़ा लेना पड़ेगा, ये टेढ़ा हो जा रहा है ज़्यादा नीचे से करने से, तो इसीलिए ग्रेवी रहने से वो नीचे से लगेगा भी नहीं जलेगा भी नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा ग्रेवी रखा है। तो बस ये बन के रेडी है, इसमें बस थोड़ा सा गर्म मसाला डाल के उसको हल्का सा साइड कर देती हूँ, देन मैं अभी राइस बना लेती हूँ। यहाँ पे बिरयानी के लिए चावल मैं दो बार में बनाऊंगी, तो पहले यहाँ पे चावल पानी इसमें नींबू का जूस ऐड करी हूँ ताकि चावल जो है वो सफ़ेद एंड खिले खिले बने। इसमें मैं ऐड करी हूँ देसी घी, ऑयल ऐड करी हूँ ताकि मॉइस्ट रहे चावल, एंड इसमें जो मिर्च एंड धनिया पुदीने का पत्ता, सारे खड़े गर्म मसाले, सहा जीरा, नमक, केवड़ा वाटर सब कुछ ऐड कर दिया। एंड यहाँ पे घी में मैं बिरयानी मसाला ऐड कर रही हूँ, उसको अच्छे से मिक्स करके रख रही हूँ, लेयरिंग में उसको यूज़ करूँगी। यहाँ पे एक बैच राइस बनकर रेडी है, मैं असेंबल कर दूंगी, देन इसी में मैं दूसरा बैच बनाऊंगी क्योंकि बड़े बर्तन मेरे पास दो ही है, तो उसमें से चिकन मैंने सारा दो बर्तन में निकाल दिया ताकि मैं पहला असेंबल जो है उसमें कर दूं। देन यहाँ पे है मिर्च और धनिया पुदीने का पत्ता, फ्राइड अनियंस, ये केसर वाला दूध, थोड़ा सा फूड कलर, एंड ये घी में बिरयानी मसाला ऐड किया हुआ है, एंड केवड़ा वाटर। तो पहले असेंबल कर देती हूँ फिर दूसरा बैच बना लूँगी इसी में, एंड इसी में असेंबल कर दूँगी फिर। गाइज नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप? देखो भाई बिरयानी कारीगर। हाँ भाई, क्या शानदार खुशबू आ रही है, क्या शानदार बिरयानी बन रही है। पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं, आपके नसीब में होगा कि नहीं। अरे क्यों नहीं होगा भाई, थोड़ा बहुत जो जितना होगा, जितना ज्यादा हो सके बांटेंगे ना। ऑब्वियस बात है भाई, कुछ तो खुरचन बचेगा हांडी में, कुछ तो करी लगी हुई होगी हांडी में, उसी हांडी में चावल को मैं लपेट के खा जाऊंगा। खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू है ना। हाँ। चिकन की तो बहुत अच्छी है, बिरयानी तो भी दम पे रखेगा। क्या बात है, बहुत ही जबरदस्त। आप आ जाओ थोड़ा ये चिकन हेल्प करो। चलो गाइस, लगभग काम मतलब कुकिंग का जो काम है वो हो गया है, किचन मैंने भी पूरा समेट लिया, थोड़ा बहुत बस बर्तन पड़ा है। एक बड़ा हांडी अभी दम पे रखा है, ये छोटा वाला हांडी हो गया है तो ये उतारूंगी, तो इसको मैं रखूंगी क्योंकि एक ही टाइम पे एक ही बर्तन जगह होगा। बाकी इतना चिकन अभी हमने साइड में रखा है, सर्व करते टाइम अगर देखेंगे चिकन अगर किसी में कुछ छोटा बड़ा पीस आया तो उसी टाइम पे हम एडजस्ट करेंगे। तो बस अभी ये सब हो जाए फिर हम पैकिंग स्टार्ट करेंगे, जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। बिरयानी यहाँ पे रेडी है, हमारा ये प्लान था कि हम बिरयानी साथ में मिठाई एंड लस्सी, खजूर और पानी सर्व करेंगे। तो देविका तन में एंड भाई भाभी ने बोला कि उनको भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करना है, तो लस्सी भाई भाभी की तरफ से है एंड देविका तन में की तरफ से मोतीचूर के लड्डू और हमारी बिरयानी, खजूर, पानी का है।
पानी गाड़ी में। अच्छा अच्छा, डायरेक्ट पकड़ा देंगे ना। हाँ, तो मैंने इसलिए गाड़ी में। तो अभी भाई भाभी भी आ रहे हैं कि पैकिंग में थोड़ी हेल्प हो जाएगी। मैं भी हनी बनी को खिलाऊंगी। जीत अभी स्टार्ट करेंगे पैकिंग, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। और अभी हमारे पास चिकन भी रखा हुआ है, अगर हमें लगा कि मतलब और बन जाएगा तो मैं चावल और बना लूंगी। तो फिर और चावल तो मतलब बिरयानी राइस बना के वील के वी कैन कट द बिरयानी ना। हाँ हाँ, फिर से कर सकते हैं। फिर से हम लोग डिस्पोजेबल जो लेके आए थे ये भी हो जाएगा ना। फिर दोबारा ये भी ये वाला लेके आए थे ना। बिरयानी खाओ। बिरयानी की कॉस्ट है एक दुआ में एक प्लेट। तो क्या आप दुआ देने के लिए रेडी है? मैं प्लेट बनाने के लिए रेडी हूँ, आ जाइए। चलो आप एक एक स्टार्ट करो। अब छोड़ो ना, एक पतीला ले आओ, पतीले में थोड़ा निकालो, फिर एक साथ में हांडी से हम नहीं निकाल सकते। हो गया है एंड पता नहीं कैसे एग्जैक्ट 100 पैकेट ही बने। मैंने इतने माप तोल के बनाया। मैंने वो इनके पेट में बहुत अच्छा बना है। अच्छा, यही तो चाहिए। देने के लिए उसमें सामान पूरा पैक है। वो कह गया वो बंदा जो ले आपका पता। तो गाइस सब कुछ अच्छे से हो गया। अरे सुनो, इसको बंद करो, एसी को बंद करो। तो गाइस सब कुछ अच्छे से हो गया, दे दिया। एंड जीत ने मुझे फिर से टास्क पकड़ाया है कि कल देना है। सो गाइस नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। एक्चुअली क्या हो रहा, देवी का लोग ज्यादा मिठाई ले आए थे तो मिठाई है घर पे। तो जीत बोल रहे हैं कल पकोड़ा मिठाई पानी ऐसे दे देंगे, है ना। कल तक हमारा परमिशन है, एक्चुअली कल शाम तक। दो दिन का परमिशन लिया हुआ तो कल भी है, तो फिर वो भी साथ में हो ही जाएगी। हाँ, तो अभी आए हैं, कुछ पकोड़े के लिए सामान वगैरह भी लेंगे और ऐसे ही हम लोग थोड़ा चाय वगैरह पी के निकलेंगे घर। आज मैंने इसको पहले ही बताया था कि भाई करोड़ों का नहीं पकोड़ों का कारोबार है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जरूर देखना उसको। कारोबार करोड़ों का नहीं पकोड़ों का। तो चलिए गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा। पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। सी इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ। लेकिन डिस्क्रिप्शन पे पकोड़ों का कारोबार देखना मत भूलना और मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको। ये नाना फोन कर रहा है क्या? हाँ।
चलिएगा इसमें। अरे क्या बात है, मैं तो आंखों में आंसू, इसका नाम चेंज हो गया इसमें फोन में। भाभी ने नाम चेंज कर दिया भाई का, डोडो नाम चेंज हो गया पगले। नहीं नहीं, वो वाला नाम भी है, पहले रखा था गधा, गधा गधा और डोडो। नहीं नूडल्स हो गए, मैं एक पार्किंग देखता हूँ, नहीं तो मैं आगे वहाँ पे पार्किंग। और भाई ने भाभी का नाम सेव किया है फोन पे, लेडी रजनीकांत। तो भाभी ने सेव किया है नाम गधा। तो एक बार कॉल आया तो भाभी के पापा ने देखा, अरे निक्की कोई गधा फोन कर। तो उसके बाद से नाम चेंज कर दिया गया, क्योंकि पर्सनल नाम। तो चलिए गाइस, बहुत अच्छे से सब कुछ हो गया, अच्छा लग रहा है ना अभी, रिलैक्स, सुकून मिल रहा है, अच्छा लग रहा है। कल से टेंशन था कैसे क्या होगा, और पता नहीं मैंने कैसे एग्जैक्ट 100 प्लेट बनाए थे। 101 क्या, और एक और एक प्लेट ये खा, 101 तो चलिए गाइस मिलते हैं। कैसे बना था? मैं अभी बनाऊंगी ना फिर से, अभी रात को, क्योंकि थोड़ा सा चिकन अभी है तो मैं रात को बनाऊंगी, तो हम लोग खा लेंगे, थोड़ा राइस बस बना लूंगी, हो जाएगा। तो चलिए गाइस, बाय 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 बाय, कब से बाय बोल रही हूँ मैं, बाय 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 बाय।